नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, कल हमारे पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री ए के मिश्रा जी ने राइट्स कंपनी, जो कि महू से बलवाड़ा के डाइवर्टेड सेक्शन का और धार से तिरला से झाबुआ के बीच में जो खरमौर सेंचुरी से होकर गुजरने वाला हिस्सा है सरदारपुर के आसपास का, वह उसके फाइनल लोकेशन सर्वे में क्या प्रगति है और क्या स्थिति चल रही है उसके बारे में कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात और बैठक राइट्स कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और हमारे पश्चिम रेलवे के जनरल मैनेजर साहब के बीच में हुई। मैंने अमित जलाधारी जी की रिपोर्ट देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो महू से बलवाड़ा का डाइवर्टेड सेक्शन है उसमें टनल की संख्या, अब जो प्रारंभिक रिपोर्ट जो सामने आ रही है, सर्वे तो फिलहाल पूरा नहीं हुआ है, उसमें 14 से बढ़कर 21 पहुंच गई है। काफी निराशा हुई मुझे और मैंने ज्यादातर लोगों के कमेंट्स देखे, सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि आखिर रेलवे चाहता क्या है, यह रूट कभी बनेगा भी कि नहीं, ऐसा हम सभी आशंकित हैं। और लगातार इसी तरह की गतिविधियां इस क्षेत्र के बारे में सामने आ रही है, तो उम्मीद भी बहुत कम है कि यह रूट कभी आकार लेता नजर आएगा, क्योंकि हम हाल देख चुके हैं कि पश्चिम रेलवे मैदानी इलाके, जो हमारे टिही पीथमपुर से सागौर के बीच में एक सुरंग है 3.5 किलोमीटर लंबाई के आसपास की, उसको बनाने में ही लंबे समय से नाकाम साबित हुआ है। तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो यह पहाड़ी इलाका है इसमें 21 टनलें आप कितने समय में बना पाएंगे? ये बहुत ही निश्चित तौर पर मैं जो भी 4-5 साल से काफ़ी क्षेत्र में जो रेलवे की गतिविधियाँ चल रही है रुचि लेने लगा था, जानकर बहुत दुख होता है कि जो कार्य प्रणाली है जिससे कि जनता काफी लंबे समय से प्रभावित है और प्रोजेक्ट में लगातार हम बहुत मेहनत करके जगह जगह से डाटा कलेक्ट करके कभी सोचते थे कि कुछ उम्मीद की खबरें सामने आएगी, तो ऐसा जो अब निकल कर सामने आया है उसमें तो मुझे तो कोई सार नजर नहीं आ रहा है कि यह प्रोजेक्ट बन पाएगा अथवा नहीं बन पाएगा। न जाने क्या मंशा है रेलवे की, क्या चाहते हैं वे। एक तरफ तो हम उदाहरण देखते हैं बड़े बड़े, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं, एक स्थिति बताना चाहता हूं कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का नाम आपने सुना ही है, लंबे समय से उसका निर्माण कार्य हो रहा है और वहां पर भी बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े सुरंगें रेलवे के द्वारा विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके बना दी गई है। और 27 साल तो हमारे महू सनावत के बीच सर्वे में ही हो गए हैं, जैसा कि हमारे वरिष्ठ रेलवे चिंतक और जिनका काफी योगदान इंदौर क्षेत्र की रेलवे परियोजनाओं में रहा, श्री नागेश जी नाम जोशी साहब का वक्तव्य मैंने कल फेसबुक पर देखा। उन्होंने बिल्कुल दुखी स्वर में कहा कि लगता नहीं कि उनके जीते जी यह जो अकोला खंडवा गेज कन्वर्जन है महू सनावद वाला, यह हिस्सा पूरा हो पाएगा। तो कुछ कुछ मैं भी उनका जो रुख है उससे सरोकार रखता हूँ कि उनकी जो आशंका है वो मुझे भी लगता है कि शायद ही यह रूट तैयार हो पाएगा। रेलवे का दोहरा रवैया इसमें कुल मिलाकर नजर आता है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि खास क्षेत्र के लिए आप खास तरह के की जो प्लानिंग बनाकर कार्य करते हैं वैसा हमारे इस पिछड़े क्षेत्र के बारे में नहीं हो रहा है, तो इससे हमें तो सोचना पड़ेगा साहब कि कुछ तो गड़बड़ है, या तो रेलवे वाले नहीं चाहते हैं कि ये लाइन बन पाए। कल जब पत्रकार साथियों ने जीएम साहब से पूछा कि कितना समय इस परियोजना को धरातल पर आने में लगेगा, तो उन्होंने बड़ी आसानी से साफ शब्दों में कहा 2025 तक इसको कर लिया जाएगा, अब 2025 तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी। यहाँ के सभी क्षेत्रवासी जानते हैं कि
काफी लंबे समय से केवल सर्वे का ही काम चल रहा है और जो भी दूसरी परियोजना है उनके बारे में भी यही देखा जा रहा है। 14-15 साल उनको सेंक्शन हुए, उनका काम शुरू हुए हो चुका है और अभी तक कितना काम धरातल पर हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है। केवल लगातार अधिकारी गुमराह करने का ही काम कर रहे हैं, ये पूरे वाकये से हमें तो नजर आ रहा है। और जनप्रतिनिधि भी लगातार अपनी ओर से कोशिश करते हैं, विभिन्न मंचों पर वे क्षेत्र की बातें उठाते हैं, लेकिन क्या मालूम ये अधिकारी क्या चाहते हैं कि मालवा क्षेत्र, जो निमाड़ क्षेत्र, हमारी जो कनेक्टिविटी टूट गई है, यह कभी जुड़ पाएगी अथवा नहीं, यह पूरी तरह से जो अधिकारी है वे तो जनता को एक तरह से कॉन्फिडेंट में नहीं ले पा रहे हैं। उनके वक्तव्य से तो यही साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप लोगों का बहुत हमें सहयोग समय समय पर मिलता रहा, मार्गदर्शन भी मिलता रहा। कोशिश यही रहती है कि हम जो यह रेलवे लाइन एक निराशा के सागर में डूबती जा रही है, इसमें से कुछ आशा की किरण निकल के सामने आए, लेकिन बहुत कम उम्मीद है। हमारा काम है आप लोगों को जानकारी देना, देते रहेंगे समय समय पर हम, जो भी छोटी मोटी जानकारी निकल कर सामने आएगी आप सभी के सामने उपलब्ध कराएंगे। कुल मिलाकर मुझे तो बिल्कुल असंभव ही लग रहा है कि अगर रेलवे अपनी पूरी इच्छा शक्ति, जैसे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन या उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में दिखा रहा है, वैसे ही इच्छा शक्ति यहाँ पर दिखाए तो ही यह कार्य होगा। या फिर इम्प्लीमेंट एजेंसी को सीधे सट चेंज कर दिया जाए, जैसे कोंकण रेलवे वहां पर कार्य कर रही है, कोंकण रेलवे को यह कार्य दिया जाए, या फिर मध्य रेलवे को घाट का काफी अनुभव है उन्हें दिया जाए। तो इस बारे में यदि रेलवे की सुविधा चाहिए तो साहब ये तो सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है वैसे वैसे लागत भी हजारों करोड़ बढ़ती जा रही है। यह भी एक सोचने वाली बात होती है कि आखिर चल क्या रहा है। खैर, और भी हम समय समय पर आप सभी के साथ में अपने विचार साझा करते रहेंगे। आप लोग भी कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं। आप सभी का धन्यवाद।